हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो के अंदर आपको टोटल डिटेल, टोटल जानकारी, टोटल नॉलेज मिलेगा इसके अंदर। दोस्तों, ये आज हम मशीन हमारी ऑटोमेटिक मशीन है, डॉल्फिन कंपनी की DA 1700 मॉडल है, जिसमें आप एक घंटे के अंदर 1500 से 1700 बोतल का प्रोडक्शन कर सकते हो। ये मशीन हमारे कस्टमर है, मेहसाना में कस्टमर है, उनके लिए हमने स्पेशल क्रेट की है 2 हेड की। पहले हम 4 हेड की बनाते थे, लेकिन वो कस्टमर मॉडिफाइड मॉडल चाहिए था, उसको 2 हेड ही चाहिए था, तो हमने 2 हेड की मशीन तैयार कर दी है उनके लिए। तो हम सबसे पहले इसका फ्लेवर बनाएंगे कि फ्लेवर कैसे बनता है, रेसिपी कैसे। सबसे पहले बिजनेस की बात करें तो आपको इस टाइप का बिजनेस बनेगा इसके अंदर से, इस टाइप का ड्रिंक बना पाएंगे ये मशीन के अंदर से। एक घंटे के अंदर कम से कम 1500 बोतल का प्रोडक्शन आप निकाल पाएंगे, 200 ml, 250 ml या 300 ml, आप जो भी बोतल भरते हो। वैसे तो मशीन के अंदर 20 ml से लेकर 5 लीटर तक की आप बोतल भर सकते हो, लेकिन आप ये बोतल है ये 200, 250, 300 ml की बोतल एक घंटे के अंदर आप 1500 बोतल का प्रोडक्शन ले सकते हो। 10 घंटे में 15000 बोतल का प्रोडक्शन जाएगा। ये बोतल बनाने का, एक बोतल बनाने का खर्चा आपको 4 रुपये में गिरेगा। 4 रुपये में आपको बोतल आ गया, केप आ गया, इसका स्टिकर आ गया, इसका अंदर जो फ्लेवर है, आप जो भी फ्लेवर फील करते हो, जैसे ऑरेंज है, माजा है, मैंगो, फ्रूटी, कोला, जीरा मसाला, कोई भी फील करते हो, और लेबल चार्ज आ गया इसका, इसका CO2 का चार्ज आ गया इसका, इसका 25 पीस का बंच बनाएंगे वो चार्ज आ गया, टोटली इंक्लूड आपको 4 रुपीज में आउटलाइन निकलेगा। मार्केट में सेल करने के लिए ये बोतल आपको 4 रुपये में सेल करने के लिए निकलेगा। आप इसको कम से कम होलसेलर डिटेलर है उसको 8 रुपये या 7 रुपये में दे सकते हैं। दोस्तों, एक बोतल पे आपको कम से कम 3 रुपये का नेकेट प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी हम सबसे पहले मशीन चालू होने से पहले, अभी तो हमने मशीन स्टार्ट ही रखा है, आप देख सकते हैं इसमें डबल चिल्डर वाला मशीन है, 2 चिल्डर है इसके अंदर। इसमें यहाँ पे 17 का टेम्परेचर, 17 का, और यहाँ पे 0 का टेम्परेचर है, जो नीचे ऑनलाइन चिलर है उसका 0 का टेम्परेचर है, ऊपर एक कंप्रेसर है उसका 17 का है। इसका दोनों आउटडोर हमने यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखो दोनों आउटडोर है इसका, आप देख सकते हो दोनों कंप्रेसर का, दोनों अलग अलग यूनिट हमने बना के दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं फ्लेवर बनाना, फ्लेवर कैसे बनता है इसका, फ्लेवर रेसिपी। हम आज 2 फ्लेवर बनाने वाले हैं दोस्तों। एक तो है लाइम लेमन है, जो कंपनी का लिम्का आपको मार्केट में मिलता है, आप पीते हैं वो हिसाब का लाइम लेमन, और दूसरा फ्लेवर है फ्रूट बियर। फ्रूट बियर मतलब के नॉन अल्कोहलिक बियर, फ्रूट जैसा टेस्ट आता है फ्रूट बियर, उसको फ्रूट बियर बोलते हैं। फ्रूट बियर और लाइम लेमन हम सबसे पहले बनाने वाले हैं दोस्तों। हमने यहाँ पे सबसे पहले आपको ये फ्लेवर बनाने के लिए सबसे पहले इस टाइप का चूल्हा चाहिएगा, ये चूल्हा है, एक गैस का बोतल चाहिए LPG का, एक हिसाब का एल्यूमिनियम का बर्तन चाहिए आपको। ये दोनों में हमने 6-6 किलो चीनी डाला हुआ है, रेसिपी के हिसाब से जो रेसिपी है वो मुसब हमने दोनों में 6-6 किलो डाला है चीनी। सबसे पहले हमें 6 किलो चीनी इसके अंदर डालेंगे, डालिए चीनी, 6 kg चीनी, शुगर, खांड, इसको चीनी बोलते हैं, ये 6 किलो डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद इसमें पानी डालेंगे हम, पांच लीटर पानी बाद डालेंगे रेसिपी के हिसाब से, रेसिपी के मुजब ये लीटर ही हमारे पास है नापने के लिए। फ्लेवर बनेंगे, उसके बाद दूसरी फ्लेवर बनाएंगे, दूसरी के बाद तीसरी बनाएंगे, ऐसे लाइन टू लाइन हम फ्लेवर बनाएंगे इसकी, आप देख सकते हो पूरा। 6 लीटर पानी डाल दिया इसके अंदर हमने, बोलो झारो गुद तो जा, तो मैं पानी भरवा मुकी दे। अभी इसको हम लाइटर ऑन करके गैस को स्टार्ट करेंगे, नीचे प्राइमर से उसको स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों। लाइटर स्टार्ट हो चुका है, CO2 इसका LPG गैस चालू हो चुका है, अभी चूल्हा भी चालू हो चुका है। फास्ट कर थोड़ो, हलाओ इसको, जारे से थोड़ी देर आपको मूवमेंट करना है, जिससे शुगर रहता है वो नीचे तलिए में चिपक ना जावे दोस्तों। कोई हिसाब से थोड़ी देर, जब तक पिघलता नहीं है तब तक आपको हिलाने रहना है इसे, आप देख सकते हैं पूरा। चीनी अराउंडली 2 से 3 मिनट में पिघल जाएगा पानी के साथ। आप देख सकते हो कैसे उसको फील हो रहा है, आप देख सकते हैं।
अभी थोड़ी देर में दो मिनट में जितना चीनी वो पिघल जाएगा फिर अपने उसको उबालने के लिए रख देंगे। थोड़ा उबालना जरूरी है, इसके अंदर उबाल आएगा जिससे अच्छे से पक जाएगा अपना मटेरियल। वही हो जाएगा। अभी ये हिसाब से आप सब फ्लेवर भी बना सकते हो दोस्तों। अभी तो हम आपको लाइव डेमो दे रहे हैं कि ऑरेंज अपने फ्रूट बियर और लाइम लेमन, ये दो फ्लेवर, क्योंकि इससे पहले हमने और फ्लेवर बनाया हुआ है जैसे कि जीरा मसाला है, कोला है, रेडबुल है, फिर कोला है, स्प्राइट है, वो सब फ्लेवर पहले बनाया है। अब आज नया टेस्टिंग लेंगे। और दोस्तों ये टेस्टिंग वाला अगर आपको फ्लेवर चाहिए, आपको लेमन टेस्ट करना है इसका या फ्रूट बियर चेक करना है, टेस्ट करना है ड्रिंक करके पी के, तो आप हमारी कंपनी के नंबर पे कांटेक्ट करिए, उनके पास से आप डायरेक्टली कुरियर मंगवाइए। जो जो फ्लेवर आपको पीना है वो आप डायरेक्टली मंगवा सकते हो दोस्तों। तो हमारी कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे हम डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे और वीडियो के नीचे लाइन में भी, चलती वीडियो में भी नीचे आपको नंबर दिखेगा, वो नंबर पे आप इसको ऑपरेट करके बातचीत करके अपना एड्रेस देके अपने घर पे कुरियर मंगा सकते हो दोस्तों। अभी लॉकडाउन की वजह से आप यहाँ आ नहीं सकते, उसकी वजह से आप मंगवा सकते हैं। और मेन चीज़ है दोस्तों, ये हमारी ऑटोमेटिक प्लांट है, ये हमारी डॉल्फिन कंपनी का टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है। इंडिया में पहली बार हमने लॉन्च किया है ऑटोमेटिक मशीन। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में क्या होता था दोस्तों का, पहले सोडा भरो, फिर सिरप भरो, फिर कैपिंग करो। ये मशीन के अंदर सेंसिंग सिस्टम पूरा दिया गया है हमने, जो सेंसर रहता है सेंसिंग सिस्टम पूरा दिया गया है हमने। आपको सोडा और सिरप एक ही हेड में से आएगा, इसके अंदर एक ही हेड में से सोडा निकलेगा, एक ही हेड में से सिरप, और इसमें आपको ना तो स्विच दबाने का जरूरत है ना कुछ। ऑटोमेटिकली सेंसिंग, जैसे आपने यहाँ पे बोतल रखी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा मशीन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल तौर पे बताता हूँ दोस्तों। आपको तो वैसे पूरी वीडियो में फ्लेवर है, जो हमारा लाइम लेमन है और फ्रूट बियर है, वो दोनों फ्लेवर हम आपको इसमें चला के बताने वाले है ही दोस्तों। लेकिन अभी आपको बता देते हैं, इस हिसाब से आपको ये बोतल ऐसे लग जाएगा, इसमें पहले सोडा निकलेगा फिर सिरप निकलेगा। आपको कोई बटन दबाने का जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सेंसिंग सिस्टम हमने दिया है। जैसे बोतल ये सेंस पे आ जाएगी ऑटोमेटिक काम करेगी। ये देखिए सेंस पे काम चालू हो गया, ये देख सकते हैं पूरा। अभी हम बोतल डालेंगे फिर ये लाइट स्टार्ट होगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए लाइट स्टार्ट हो चुका है, ये सोडा का लाइट है, ये सिरप का है। ये सिरप आपने जितना सेट किया है, जैसे 200 ml का है बोतल है तो 160 आपने सोडा डाला है, 40 ml सिरप डाला है, तो वो हिसाब से आप डाइवर्ट करके सेट कर सकते हो अपने। ठीक है, अभी इसमें देखो शुगर अच्छे से पिघल चुकी है दोस्तों, अच्छे से चीनी पिघल चुकी है, आप देखिए चीनी पिघल चुकी है, जरा भी नहीं है इसमें, देखिए। अभी इसको हम उबाल आने देंगे दोस्तों, ऐसे कैसे छोड़ना नहीं है हमारे को। अभी इसको हिलाना आप बंद कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर सकते हो हिलाना। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे उबाल आ चुका है, आप देखिए किस तरीके से उबाल आ रहा है, आप देख सकते हैं ये पूरा उबाल आ रहा है इसके अंदर। ये उबाल जब तक आए तब तक आपको पकाना है उसको। अभी इसमें उबाल आ चुका है, अभी इसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव केमिकल डालेंगे, जो बाकी सब नहीं बता पाते और नहीं डालते इसके अंदर। ये प्रिजर्वेटिव केमिकल से आपको इसका लाइफ 100 डेज का लाइफ रहेगा, 100 दिन तक का, जो आपका फ्लेवर खराब नहीं होने वाला है। तो ये केमिकल इसके अंदर हम डालेंगे जिससे अपना लाइफ इसका बेस्ट बिफोर 100 डेज तक रहेगा, 100 दिन तक रहेगा, इसलिए हम ये डालते हैं अभी इसके अंदर। आप देख सकते हो पूरा, ये आप देख सकते हैं, इसका हम आपको नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आप जब हमारे यहाँ मशीन बुक करने आएंगे तो हम आपको पूरा रेसिपी बता देंगे इसको, कि कौन सा केमिकल कौन सा पाउडर डालना है बना के ने के टाइम पे। ऐसे के ऐसे अगर आपने बना डाला तो इसका लाइफ 20 से 25 दिन ही रहता है, फिर खराब हो जाता है, जिससे ये चीज डालने से आपका लाइफ 100 डेज तक का, 100 दिन तक का लाइफ रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम आपको ये जब आप हमारी कंपनी में विजिट पे आएंगे या आप मशीन बुक कराएंगे या हमारा कोई टेक्नीशियन आपके वहाँ फिटिंग के लिए आएगा तो वो सब ये चीज़ का गाइडेंस आपको पूरा देगा दोस्तों। ठीक है, अभी हम दूसरा फ्लेवर बनाएंगे, आपको जो बताया था हमने वो दूसरा फ्लेवर बनाएंगे। ये टब है खाली, इसके अंदर सबसे पहले चीनी डालेंगे इस माप के हिसाब से, जो फ्लेवर रेसिपी है वो माप के हिसाब से डालेंगे।
चीनी डाल दी हमने, अभी इसके अंदर डालेंगे पानी। इसमें भी पानी मिक्स कर रहे हैं, जैसे पहले मिक्स किया था वो हिसाब से पानी मिक्स कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हो 6 लीटर पानी डाल दिया हमने, 6 लीटर पानी आ गया है पूरा। अभी हम जो गर्म से हुई करीगर 5, अभी हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो कोबा बाजू नहीं था, अभी वही तरीके से हम उसको मिक्सिंग करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरा जैसे वो फ्लेवर हमने बनाया वो हिसाब से इसका भी फ्लेवर बना रहे हैं। अभी हम इसको भी वो तरह से उबाल आने देंगे, इसको जैसे ही उबाल आएगा हम उसको भी निकाल देंगे। अभी इसमें उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी इसमें हम उसका पहले में जो डाला था एक्सपायरी डेट बढ़ाने के लिए 100 डेज का टाइम करने के लिए वो केमिकल डालेंगे इसके अंदर दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरा ये डाल दिया इसके अंदर, जिससे आपको 100 दिन का वैलिडिटी मिलेगा 100 डेज का दोस्तों, 100 दिन का वैलिडिटी मिलेगा इसका, ठीक है। ये चीज को आपको और नहीं बताएंगा, और हमारी कंपनी हम क्या डालते हैं वो वीडियो में हम नहीं बता सकते दोस्तों। आप जब रूबरू हमारे पास आएंगे या अगर आपने मशीन बुक की है, ऑर्डर की है, तो आपके वहाँ जो टेक्नीशियन है वो आके आपको बताएगा कि क्या इसके अंदर डालना है आपको लग से, ठीक है दोस्तों। अभी आप देख सकते हो अच्छे से उबाल आ चुका है इसमें, देखिए पूरा बंद कर दे। चलो आप देख सकते हैं पूरा जवा दे। ये हमने जो पाउडर डाला है दोस्तों वो एक्सपायरी डेट बढ़ाने का पाउडर है, ना कि कोई मेल साफ करने का। कई लोग बोलेंगे वो पाउडर डालते हैं लेकिन मेल साफ हो जाता है, शुगर क्लीन हो जाता है, चोखा हो जाता है, उसमें से वो कचरा निकाल के वो लोग लगाते हैं, लेकिन इसमें 0% कचरा है, कचरा जरा भी नहीं है, ठीक है। वो हमने पाउडर डाला उससे उसका लाइफ बढ़ जाएगा और शुगर को वो क्लीन कर देगा दोस्तों। हमारा पाउडर है, हमने जो भी आपके सामने पाउडर डाला वो वैलिडिटी बढ़ाने के लिए है दोस्तों, ठीक है। इससे कोई साफ करने के लिए, वो शुगर को क्लीन करने के लिए का पाउडर नहीं है दोस्तों, ठीक है। लाओ गापो, अभी हम इसको दोस्तों नीचे रख देंगे, इसको उठा के बंद कर दे। ये दोस्तों अभी जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर अपने घर का रूम टेम्परेचर रहता है 22-25 का रूम टेम्परेचर, वो हिसाब से टेम्परेचर में आएगा, उसके बाद हम इसका एसेंस जो हमने पाउडर लगाया है ये पाउडर इसमें डाल के मिक्स करेंगे। आपके सामने सब पूरा रेसिपी टोटल बताएंगे दोस्तों, कोई चीज़ आपसे रह नहीं जाएगा। ये वीडियो अगर आपने देख ली इसलिए आपने बॉटलिंग प्लांट का पूरा सब सिस्टम समझ लिया, इसलिए हम बोलते हैं वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक आप जरूर देखिए। बहुत अच्छी अच्छी हम माहिती देते हैं, इतना मेहनत करके माहिती आपके लिए हम एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अभी हम आपको इसमें फ्लेवर बना के मिक्स करके फिर बताएंगे। अभी दोस्तों फ्लेवर रेडी हो चुका है, इसका चीनी तैयार हो चुका है दोस्तों। अभी हम इसकी फ्लेवर बनाएंगे एक बाय एक। हमने जैसे आपको कल बताया था कि एक हम फ्रूट बियर बनाएंगे और एक लाइम लेमन बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फ्रूट बियर का पैकेट बनाएंगे, हमाना खामा डोल मास में। ये जो शुगर है जो गर्म किया हुआ उसको इसके अंदर डालेंगे, ये फ्लेवर मिक्सचर है, इसके अंदर फ्लेवर मिक्स होता है अच्छे से, आप देख सकते हैं पूरा हमने इसमें लगा दिया है। ये बटन दबाने से स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं पूरा। अभी इसमें हम फ्लेवर के पाउच डालेंगे, उसे जो तो ये फ्रूट बियर का फ्लेवर है दोस्तों, ना खींचे। इसका सबसे पहले पाउडर आता है, वो पाउडर डालेंगे एसेंस इसके अंदर।
बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पाउडर है, एसेंस है और रेसिपी हमने एकदम स्टैंडर्ड बनाई है हमारे हिसाब से। आपको अगर सैंपल चाहिए तो आप सैंपल मंगा सकते हैं दोस्तों हमारे से। ये पाउडर लगा दिया इसके ऊपर, आप देख सकते हैं, ले लें यहाँ पर। अभी इसके अंदर हम लिक्विड डालेंगे, आप देख सकते हो देखिए घूम रहा है पूरा, अच्छे से मेल्ट हो रहा है। ये लिक्विड का पाउच है, अभी लिक्विड डालेंगे इसके अंदर। पहले पाउडर हमने डाल दिया, अभी लिक्विड डालेंगे इसमें। ये आप देख सकते हैं पूरा, ये फ्रूट बियर का लिक्विड डाल दिया हमने इसमें। इसको अच्छे से मेल्ट होने देना है आपको। अच्छे से पाउडर हमने सिरप जो डाला है ये मशीन से मेल्ट हो जाएगा, ये झारे से मेल्ट नहीं होता है, जो झारा रहता है उससे मेल्ट नहीं होता है ये, ठीक है। इसके लिए स्पेशली मशीन होना चाहिए, तो मशीन से अच्छे से अपना जो पाउडर है मटेरियल है इसके अंदर पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, जो हमने चाशनी बनाया उसके साथ अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा, ठीक है। मिक्स हो चुका है दोस्तों अभी अच्छे से। अभी इसको हमें बाउल में गाल के भरेंगे इसको। ये जो पिंच है अपने को निकाल देना है इसे, ये निकल गया टॉप लेवल बाउल, इसके अंदर डाल देते हैं हम। ये निकल गया, धोकर अभी ये गन्नी और झाली है इसका, इससे माल फिल करेंगे हम इसके अंदर। ये अच्छे से गाल दिया है दोस्तों, जो भी छोटा मोटा कचरा डस्ट है और अचकन है उसके अंदर सब आ चुके हैं गन्नी के अंदर, छन्नी है इसके अंदर आ चुके हैं सब, देख सकते हैं आप पूरा। आने दो आप, ये बोतल भी आ गई है दोस्तों, खाली बोतल पैकिंग होने के लिए आ गई है, खाली बोतल देखिए आप। अभी हम इसका लाइम लेमन और फ्रूट बियर का प्रोडक्शन लेंगे दोस्तों। ये दो पैक आ चुका है इसका बोतल का भी, हम आपको अभी आपके सामने मशीन में से पूरा फिलअप करके देंगे, बताएंगे, और आपको सैंपल चाहिए तो आप सैंपल भी इसका मंगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी ये फ्रूट बियर रेडी हो चुका है अपना, अभी उसके बाद हम लाइम लेमन का फ्लेवर बनाने वाले हैं। अभी लाइम लेमन का फ्लेवर बनेगा अभी। अभी हम दोस्तों दूसरा फ्लेवर है हमारा लाइम लेमन, जो मार्केट में लिम्का के नाम से बिकता है कोका कोला कंपनी का, वो हिसाब का लाइम लेमन अभी हम फ्लेवर बना रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमने जो ये चाशनी बनाई है, चाशनी डालेंगे इसके अंदर, आप देख सकते हो। ये चाशनी डाल दी है इसके अंदर हमने पूरी। अभी इसके अंदर इसका फ्लेवर के पाउच डालेंगे, लाइम लेमन के पाउच आएंगे पैकेट। मिक्सर चालू कर दिया हमने इसको, आप देख सकते हो सीधा पाउडर जाके अच्छे से सब जितना अर्क है फ्लेवर का वो ये मशीन की वजह से पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, जिससे टेस्ट एकदम परफेक्ट आता है। अगर आप हाथ से हिलाएंगे तो उतना अच्छे से प्रॉपर मिक्स नहीं होता है दोस्तों, इसलिए हम मशीन के साथ में ये फ्री में देते हैं आपको फ्लेवर ब्लेंडर। ये पाउडर डाल दिया हमने, अभी इसका लिक्विड डालेंगे। ये लिक्विड डाल रहे हैं इसका, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का लाइम लेमन है, आप देख सकते हैं। ये लिक्विड भी हमने डाल दिया इसके अंदर, ये बेस्ट क्वालिटी का फ्लेवर है।
आप लिमका या लाइम लेमन पीते हो उससे भी अच्छा टेस्ट और उससे भी अच्छा क्वालिटी का फ्लेवर है। आप टेस्टिंग के लिए इसलिए हमारे से सैंपल मंगाइए, हम आपके घर पे इसका सैंपल भेजेंगे, आप वहाँ पे बैठ के ठंडा चिल्ड करके पी सकते हो इसको दोस्तों, ठीक है। मिक्स हो चुका है अभी प्रॉपरली, अभी इसको बंद कर देंगे और जो स्टिक रहता है वो निकाल देंगे, इसका स्टिक रहता है ना, स्टिक निकालेंगे तो आप अच्छी तरह से नीचे से इसका बोतल है बाउल है वो अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे, ये फोल्डिंग ही रहता है पूरा। अभी ये बाउल के अंदर हम फिलअप करेंगे इसको, दोस्तों फिल हो चुका है पूरा, छान के गाल के हमने पूरा फिल कर दिया इसको, ये आप देख सकते हैं पूरा इसका जो भी डस्ट है रच है ये गन्नी के अंदर आ चुका है। जाओ जी, अभी दोस्तों मशीन भी रेडी है हमारी, ऑनलाइन चिल्लर का टेम्परेचर है 0.1% माइनस में है, स्टोर चिल्लर है उसका 7 का टेम्परेचर, जो ऊपर स्टोर चिल्लर रहता है जो अपना आरओ का पानी अब उसमें डालेंगे, स्टोर चिल्लर डबल चिल्लर वाली मशीन है तो उसका टेम्परेचर 7 का है, नीचे ऑनलाइन चिल्लर का है ए 0-0.1 का है दोस्तों। अभी हम ये दोनों फ्लेवर इसमें फिल करके आपको प्रोडक्शन बताएंगे, खाली बोतल वॉश कैसे किया जाता है वो भी बताएंगे, बोतल के ऊपर स्टिकर कैसे लगाए जाते हैं वो भी बताएंगे दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल, आप सभी का खूब स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हम कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ अलग लेके आते हैं, मार्केट से कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट लेके आते हैं और नई टेक्नोलॉजी नई सिस्टम मार्केट में लॉन्च करते हैं दोस्तों। हर एक मशीन कोई भी मशीन हो दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ अपग्रेड होता रहता है और हम करते रहते हैं दोस्तों, तो वैसे ही हमने आज ऑटोमेटिक सोडा फिलिंग प्लांट बनाई हुई है, तो ये मशीन की हम आपको पूरी जानकारी देंगे पूरी डिटेल्स देंगे। ये मशीन हमारे कस्टमर की है, मेहसाणा डिलीवरी के लिए जा रही है, उसको हम मशीन को टेस्टिंग कर रहे हैं और आपको इसके अंदर बताएंगे कि मशीन काम कैसे करती है, मशीन का प्रोडक्शन कितना है और क्या मशीन है। दोस्तों ये दो हेड की ऑटोमेटिक मशीन है, टू हेड की, ठीक है, एक ऑटोमेटिक टू हेड की मशीन है जिसकी एक घंटे में 1500 से 1700 बोतल की कैपेसिटी है, वन हॉर्स एक घंटे में 1500 से 1700 बोतल आप इसमें से निकाल सकते हो दोस्तों, 200 ml, 250 ml या 300 ml का। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट की बात बता दूं, दोस्तों वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी देखना, हम इसमें हर एक जानकारी देंगे आपको, ये जानकारी देख के आपको और कोई जानकारी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट है दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक मशीन का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ये बोलते हैं सोडा में अपने पेप्सी थम्सअप कोका कोला लिमका लेमन ऑरेंज जो पीते हैं ये टाइप का ड्रिंक्स है, ठीक है दोस्तों, जो आप ऑलरेडी मार्केट में पीते भी होगे, आप भी पीते होगे, आपकी फैमिली भी पीती होगी, सब पीते होगे दोस्तों, ये मार्केट में 10 रुपए में बिकता है दोस्तों, 10 रुपए की सेलिंग प्राइस है इसकी। हमारी ये मशीन में से प्लांट में से निकालेंगे एक बोतल 200 ml की, एक बोतल बनाने का खर्चा आपको 4 रुपए का गिरता है, 4 रुपीज का दोस्तों, 4 रुपए की एक बोतल आपको गिरेगी, ठीक है, 4 रुपए के अंदर आपको 2 रुपए की बोतल आएगी, 50 पैसे का इसका कैप आएगा, 30 पैसे का स्टिकर आएगा, 2 रुपया 80 पैसा, 80 पैसे का मटेरियल जाएगा, ठीक है दोस्तों, 2 रुपया 80 पैसा प्लस 80 पैसा आप लोगे तो 3 रुपया 60 पैसा हो गया, 10 पैसे का CO2 आ जाएगा, 10 रुपए का 10 पैसे का अदर खर्च, जैसे आप बंच पैकिंग बनाती हो बंच उसका 10 पैसा और 20 पैसा मेंटेनेंस अदर खर्च, टोटल एवरीथिंग मिला के आपको ये बोतल गिरेगा 4 रुपए में, 4 रुपीज में लैंडिंग आएगा इसका,
ठीक है, आप इसको मार्केट में अगर रिटेल काउंटर को काउंट करते हो, आप सीधा जो बेचता है ठंडा करके उसको देने जाते हो, तो वहां पे आपको इसको 8 रुपए में देना है। अगर आपने मिडल में डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर बना लिया है तो उसको आपको 7 रुपए में देना है। अगर आप 7 रुपए में भी एक बोतल सप्लाई करते हो दोस्तों, तो आपको एक बोतल पे 3 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। ये मशीन की पर एक घंटे की कैपेसिटी है 1500 बोतल की। आप 10 घंटे काम करेंगे 15000 बोतल निकलेंगे इसके अंदर। और मेन खासियत ये है कि दोस्तों, हमारे बहुत सारे कस्टमर, हमारे व्यूवर्स, यूट्यूबर में जितने भी बहुत सारे कस्टमर है, उनका हमारे को फोन आता है दोस्तों कि हमारे को मशीन लेनी है लेकिन हमारा बजट कम है, हमारे को बिजनेस करना है लेकिन हमारे पास 50,000 लाख रुपया ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम आसपास में वो सिटी के आसपास में कोई भी बड़ा प्लांट देते हैं कस्टमर को, तो वो कस्टमर को वो दूसरे जिसके पास कम बजट है उनको इनका नंबर दे देते हैं, जिन्होंने बड़ा प्लांट लिया है हमारे से, तो वो लोग जॉब वर्क के ऊपर अपना काम करा लेते हैं। जैसे कि स्टिकर बिना वाला बोतल उनसे खरीद लेते हैं 5.5 रुपए 6 रुपए में खरीद लेते हैं, और खुद के नाम का स्टिकर लगा के 8 रुपए में वो लोग उसके नाम से भी बेचते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारे पास बहुत सारा कॉन्टेक्ट लिस्ट पड़ा है ऐसे कस्टमर का, ये जिसके पास 50,000 लाख रुपया मूड़ी है लेकिन एक काम करना है, तो आप हमारे से मशीन भी खरीदिए और हमारे से कस्टमर भी लीजिए दोस्तों, हम आपको कस्टमर भी प्रोवाइड करके देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम दोस्तों मशीन की बात चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे स्टिकर लगता है बोतल के ऊपर, आप देखिए ये जीरा मसाला का स्टिकर लग रहा है इसके अंदर, ये हिसाब का स्टिकर लगेगा पूरा, आप देखिए ये जीरा का है, ये जीरा का स्टिकर लग रहा है इसके ऊपर, इस टाइप से यहाँ पे सब खाली बोतल के ऊपर स्टिकर लगता है। ठीक है, स्टिकर लगने के बाद यहाँ पे बोतल वॉश के लिए जा रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बोतल वॉशर हमने दिया हुआ है, ऑटोमेटिक बोतल वॉशर है इलेक्ट्रॉनिक, इसमें से आप जैसे फुहारा होता है फाउंटेन दबाओ, देखिए ये फाउंटेन हो रहा है इसके अंदर से, इसलिए नए बोतल में जो भी डस्ट कचरा कुछ भी रहता है वो नए बोतल में से निकल जाता है दोस्तों उसके अंदर से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोतल वॉश किया हुआ यहाँ पे बोतल आ गया है, ये पूरा बोतल भरा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा ये पूरा बोतल भरा हुआ है। यहाँ से थोड़ा गोरू हो, यहाँ से फ्लेवर फिलिंग होता है, फिलिंग नोर की रीते ले जाए रिजल्ट यहाँ, ये देखिए बोतल लगाया, कोई बटन आपको दबाने का जरूरत नहीं है दोस्तों, पहले सोडा गिर रहा है उसके बाद फ्रूट बियर गिरेगा, देखिए ये फ्लेवर गिर रहा है, उसके बाद यहाँ कैपिंग हो रहा है, ये कैपिंग हो चुका है दोस्तों, ये कैप होके रेडी हो चुका है फ्लेवर आपका, आप देख सकते हैं दोस्तों ये कैप हो चुका है। वही हिसाब से हम यहाँ पे लाइम लेमन का प्रोडक्शन है, आपको कोई बटन नहीं दबाना है, पूरा सेंसिंग के ऊपर काम करती है मशीन। जैसे ही आपने इसको बोतल को यहाँ पे लगाया, ये बोतल को आपने लगाया ऑटोमेटिक चालू हो गया, कोई बटन नहीं दबाया इसको, पहले सोडा गिर रहा है, उसके बाद लेमन का हमने जो ड्रिंक डाला है वो लेमन का ड्रिंक गिर रहा है, उसके बाद इसको हम डिफ्यूज करके यहाँ पे कैपिंग हो जाएगा, इसको देखिए हम दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सिस्टम है डिस्प्ले का, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम सब दिया गया है, जहां से आप कितना एमएल का कितना बोतल से सबको सेल करना है, कितना निकालना है, एमएल वाइज अप डाउन करना है आपको, 20 ml 5 ml 10 ml सिरप पड़ाना है, 5-10 ml सोडा का क्वांटिटी बढ़ाना है आपको, 200 ml 300 ml 250 ml का सब बोतल आपको भरना है, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे वन साइड सेट कर देना है। ये इम्पोर्टेड, हम बाहर से फॉरेन से इसको सिस्टम को मंगाते हैं, पूरा इसका पूरा सिस्टम रहता है, खाली डिस्प्ले नहीं है दोस्तों, पूरी सिस्टम है इसकी। और इसके अंदर हमने दो चिल्लर लगाए हुए हैं, दो कंप्रेसर सिस्टम है, एक स्टोर चिल्लर है और एक ऑनलाइन चिल्लर है। ऑनलाइन चिल्लर है इसका 1.3 का टेम्परेचर है, स्टोर चिल्लर है इसका 2.6 का टेम्परेचर है। अभी हम आपको चिल्लर भी बता रहे हैं इसका दोस्तों, आप चिल्लर देख सकते हैं, आइए यहाँ पे दिखाते हम आपको, ये इसका दोनों आउटडोर यूनिट है दोस्तों, 1.5 टन का वो जो देखो 1.5 टन का दोनों आउटडोर है इसका, 1.5 टन का दोनों आउटडोर लगाया है, एक आउटडोर ऊपर का जो टंकी है उसको काम करेगा, यहाँ पे एक हमने स्टोर टंकी दिया गया है, आप देख सकते हैं ये टैंक है, इसके अंदर 200 लीटर तक पानी 150 लीटर तक पानी भर जाएगा, इसके अंदर स्टोर है। ठीक है,
और यहाँ पे एक नीचे ऑनलाइन चिलर भी हमने दिया गया है, यहाँ पे नीचे ऑनलाइन चिलर है, इसका लॉक दिया गया है हमने। और यहाँ पे आप देख सकते हो कूलिंग कितना हो चुका है, इसका कूलिंग कैपेसिटी देखिए आप दोस्तों, ये पूरा बर्फ जम गया है पूरा लाइन देखिए, ये दोनों लाइन आ गया है, एक दो तीन चार, ये चारों का इसमें कनेक्शन दिख रहा है आपको, ये पूरा लाइनिंग आ चुका है इसके अंदर। यहाँ पे CO2 सिलेंडर, दो सिलेंडर लगाए हमने, दो हेड है इसलिए दो सिलेंडर लगाए, आप देख सकते हैं पूरे। और दोस्तों ये फ्लेवर मिक्सचर मशीन है, फ्लेवर बनाने के लिए फ्लेवर मिक्सचर मशीन हम कस्टमर को साथ में देते हैं, इससे फ्लेवर आप मिक्स कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों हम जो आपको अभी प्रोडक्शन करके देते हैं दोस्तों, इसका आपको सैंपल चाहिए तो आप घर बैठे हमारे से सैंपल मंगा सकते हो, हम आपको होम डिलीवरी सैंपल यहां से कुरियर कराएंगे। आप हमारी कंपनी में कांटेक्ट कीजिए तो हम आपको सैंपल क्वालिटी टेस्ट करने के लिए, फ्लेवर चेक करने के लिए, सोडा का स्ट्रांगनेस चेक करने के लिए आप हमारी कंपनी में डायरेक्टली उसका पार्सल मंगा सकते हो दोस्तों। और इसमें मशीन में हमारे पास ऑटोमेटिक में टू हेड की मशीन है, फिर फोर हेड की मशीन है। ये फोर हेड की मशीन जहाँ पे सामने बन रही है ये अफ्रीका जा रही है, अब देख सकते हो दोस्तों सामने फोर हेड की मशीन पड़ी है, ऑटोमेटिक की मशीन है पूरी ये पूरी अफ्रीका जा रही है मशीन। तो दोस्तों इस तरह की ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक जैसा आपका बजट है, जो तरीके का बजट है वो हिसाब की आप मशीन हमारे से खरीद सकते हो दोस्तों। जो भी आपका बजट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बजट ज्यादा है तो ही लेना है आपका, अगर आपका दो ढाई लाख का भी बजट है तो उस टाइप की भी आप मशीन लेके अपना एक स्टार्टिंग बिजनेस कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और आपको अगर सैंपल मंगाना है तो सैंपल मंगाइए, हमारी कंपनी का नंबर आप एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हमारी कंपनी का नंबर है 88665 75519, दूसरा नंबर है 7575050675। मंडे से लेके सैटरडे तक आप सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक कोई भी टाइम पे कॉल करके हर एक जानकारी डिटेल फंक्शन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।